Good morning to all. So in previous class we have discussed about reversible, irreversible process, cyclic and non-cyclic process. So in this lecture we mainly discuss about heat engine. Okay, so as we know, first law of thermodynamics states when a system is provided some heat, then it will provide some work. जब आम गोटे सिस्टम को हीट प्रोवाइड करवा तो से कौन कर ना वर्क डन किसी कर ना नहीं. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव एन इक्विवेलेंस रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क. सो बाय यूजिंग द लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी कैन एबल टू डिजाइन ए हीट इंजिन दैट गिव्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क. So that means we can say heat engine is a device that converts heat energy into mechanical work. Okay, so we can say heat engine is a device that converts heat energy heat energy into mechanical work. Heat energy into mechanical work, and this we can take example of heat engine as pehle example le bhi kali koi dili example ame kon nahi pariba petrol engine. Petrol engine, diesel engine, steam engine, etc. एटा का नहीं पारे आम हीट इंजिन ले एग्जांपल रे जो हीट इंजिन देख पे आम मेनली कौन कौचे ना दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मेकानिकल वर्क. So you can say device that converts heat energy into mechanical work continuously is known as heat engine. Okay, it is mainly based on the first law of thermodynamics. So example I have petrol engine, diesel engine or steam engine. देख पे आम जो हीट इंजिन कंस्ट्रक्शन को आसूचे हीट इंजिन कंस्ट्रक्शन आम वेरियस पार्ट्स गुड़ा कहे हीट इंजिन कनसीस्ट्स ऑफ मेनली थ्री पार्ट्स. फर्स्ट थिंग आम कहे सोर्स, अनदर वन सिंक, अनदर वन वर्किंग सब्सटेंस. कंस्ट्रक्शन को आसवा पे कंस्ट्रक्शन सो इट मेनली कंसीस्ट्स ऑफ इट मेनली कंसीस्ट्स ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. इट मेनली कंसीस्ट्स ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट है पे सोर्स. देख पे मैं फिगर काटुची जोटि तुम बुझाप सहज हम. सपोज दिस वन इज सोर्स, दिस वन इज सिंक, एंड इन बिटवीन सोर्स एंड सिंक देयर इज कॉल्ड वर्किंग सब्सटेंस. देख पे यहाँ कौन आसला मोर सोर्स. कांस्टेंट हाई टेम्परेचर अच्छी टी वन एटा पे आसला तुम सिंक. कांस्टेंट हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर रहा पे टी टू एटा को नहीं गली वर्किंग सब्सटेंस. वर्किंग सब्सटेंस ओके पर आम देखा तरह केमी वर्किंग आसूसी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट बुझ देन वर्किंग को आसवा. फर्स्ट देखा सोर्स. देख पे सोर्स कही इट इज ए हीट रिजर्वियर दैट मीन्स इट इज ए हीट सोर्स दैट ऑलवेज एक्जिस्ट एट ए कांस्टेंट हाई टेम्परेचर एंड हैज ए हायर थर्मल कंडक्टिविटी. ओके सो यू कैन से ए हीट रिजर्वियर
It is a heat reservoir that exists at a constant high temperature and has high thermal conductivity such that if a small amount of heat taken out from the source then its temperature remains unchanged or constant. Okay, तुम्हें चाहिए भी पीले खाली एति के मेंशन कर दे पार सोर्स ए बॉडी एट ए हाई टेम्परेचर टी वन इज नोन एज ए सोर्स. ओके, यदि गोटे बॉडी हाई टेम्परेचर एक्जिस्ट करुच्छी ताले सेटा को आम कह सोर्स बुझीगला. ताले जोटा हाई टेम्परेचर थी सेटा को कह मेनली सोर्स. ओके, सो इट इज ए हीट रिजर्वर दैट एक्जिस्ट एट ए कॉन्स्टेंट हाई टेम्परेचर एंड पोजेज ए हायर थर्मल कंडक्टिविटी सच दैट इफ ए स्मॉल अमाउंट जब आम से सोर्स रु स्मॉल अमाउंट रो हीट भी बाहर करनबा ताले से टेम्परेचर टा अनचेंज रहइबो बुझीगला. सो एटा को आम कहले सोर्स. ओके, सेकेंड आसवा पे सिंक को देख पे मुझे जो फिगर नहीं सोर्स रो जो कांस्टेंट हाई टेम्परेचर नहीं कांस्टेंट हाई टेम्परेचर टा को मुझे टी वन कनसीडर कर. ओके, सेकेंड स्टेट को आसवा पे सिंक ओके इट इज ऑल्सो इट इज ए हीट रिजर्वर दैट एग्जिस्ट एट ए कॉन्स्टेंट लो टेम्परेचर देख पे लो टेम्परेचर ही एक्जिस्ट कर जोटा लो टेम्परेचर थी सेटा को नवा सिंक जोटा हाई टेम्परेचर थी सेटा को नवा सोर्स एट कांस्टेंट लो टेम्परेचर एंड हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी सच दैट. ओके पिले, एटा जेहेतु लो टेम्परेचर अच्छी जदि आम कि अमाउंट रो हीट प्रोवाइड करवा टेम्परेचर चेंज हेबो नहीं सच दैट इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू सिंक then its temperature remains unchanged. देख बोले सोर्स आम एत हाई टेम्परेचर अच्छी आम सोर्स जो स्मॉल अमाउंट हीट बाहर करे टेम्परेचर चेंज हेबो ना. सिंक मोर एत लो टेम्परेचर अच्छी जब आम कि हीट तक एड करवा तार टेम्परेचर किसी चेंज हेबो ना बुझीगला पिले सोर्स आउ सिंक एवं आसवा कौन पिले ना वर्किंग सब्सटेंस. ओके, सो जनरली वी टेक वन मोल ऑफ आइडियल गैस बट वर्किंग सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज लाइक इट इज ए डिवाइस दैट अब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सोर्स
देख पे वर्किंग सब्सटेंस मेनली कौन ती कर सो इट इज ए मटेरियल और इट इज ए इंस्ट्रूमेंट और सिस्टम दैट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सोर्स वर्किंग सब्सटेंस वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट देख पे वर्किंग सब्सटेंस इट इज क्विक एंड से a material that aga figure re dekha pile bujhiba dekha pile ye kichi heat absorb koriba kaha pakuru source pakuru kichi heat reject koribo sink ku au jetike bi heat rahila pile taku se convert koribo work ku ताको कन्वर्ट कर वर्क को देख पे से कह वर्किंग सब्सटेंस दैट इज इज ए मटेरियल व्हिच अब्जॉर्ब्स ए मटेरियल व्हिच अब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सोर्स सम अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक एंड रेस्ट हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क किसी हिट से अब्जर्व कर सोर्स रु से स्मॉल अमाउंट रो हीट से रिजेक्ट कर सिंक आउ जी रेस्ट हीट रहा पे से कन्वर्ट कर वर्क को सो ए मटेरियल व्हिच अब्जर्व्स हीट फ्रॉम सोर्स The material which absorbs heat from source and rejects a part of this heat to the sink कहाँ को पहले reject करिबो sink को and converts rest of heat into mechanical work rest of heat into mechanical work रेस्ट ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क बुझेगा पे से कहर कौन ना वर्किंग सब्सटेंस बुझेगा देख पे से कौन करुच्ची वर्किंग सब्सटेंस सोर्स रो हीट अब्जर्व कला सिंक को हीट रिजेक्ट करुच्ची रेस्ट हीट को पे मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट करुच्ची ओके सो दैट मेन पार्ट ऑफ द हीट इंजन इज वर्किंग सब्सटेंस सो ये पार्टा पे रहा जनरली आम कहू हीट इंजन जो वर्किंग टा पे आसंगटा जो आसे वर्किंग टा मेनली आसपा ना वर्किंग सब्सटेंस बुझीगला कंस्ट्रक्शन बुझिपार कौन कौन कंस्ट्रक्शन नहीं अच्छे सोर्स सिंक वर्किंग सब्सटेंस सोर्स ऑलवेज मेंटेन एट ए कांस्टेंट हाई टेम्परेचर सिंक ऑलवेज मेंटेन एट ए कांस्टेंट लो टेम्परेचर एंड वर्किंग सब्सटेंस दैट इज अब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सोर्स रिजेक्ट ए फ्यू पार्ट ऑफ द हीट टू द सिंक एट द लो टेम्परेचर एंड रेस्ट ऑफ हीट इनटू वर्क आ जितकी भी रेस्ट हीट रहिला पिले ताकु से वर्क को कन्वर्ट करिबा बुझिहला पिले एबे आसवा तर वर्किंग को जे हीट इंजन रो वर्किंग केमिति आसुची आम वर्किंग को केमिति मेजर करिबा गोटे हीट इंजन रो ओके ओके सो इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ हीट इंजन वी हैव टू मेनली फर्स्ट मेंशन दैट सपोज आई टेक हियर सपोज Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट amount of heat
Q1 is the amount of heat absorbed. फिगर को देख पिले एबे हम एरो मार्क दे देबा एटी केत अछि Q1 हीट अब्सॉर्ब करूची Q2 हीट रिजेक्ट कला सिंक को रेस्ट हीट पिले वर्क को कन्वर्ट करूची सपोज Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम सोर्स फ्रॉम सोर्स एट टेम्परेचर T1 देख पे सोर्स टेम्परेचर नहीं सोर्स एट टेम्परेचर T1 एंड Q2 बी द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड amount of heat rejected to the sink kete temperature achi pile at temperature T2 dekha pile sink ra temperature achi T2 tale working kouchi working substance kete amount ra heat absorb karuchi Q amount ra heat absorb karuchi Q2 amount ra heat reject karuchi kaha ku sink ku The rest amount of heat is converted into work. रेस्ट अमाउंट हीट पे कौटी कन्वर्ट हो गला ना वर्क को कन्वर्ट हो गला दैट इज द वर्किंग ओके तले जो पे वर्क टा आसुची रेस्ट अमाउंट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क से वर्क डन टा केते आसुची मेजर करबा ओके तले गुटे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स कहउची हीट टा कौटी कन्वर्ट होउची बले ना वर्क को हमर Q1 हीट अब्सॉर्ब होउची Q2 हीट रिजेक्ट होउची रेस्ट अमाउंट रो हीट जो रहिला सेटा कन्वर्ट हो जाउची वर्क को तले एठी जो वर्किंग देख बले जेहेतु रे साइक्लिक प्रोसेस रे आसुची जेहेतु टोटल वर्किंग प्रोसेस इज ए साइक्लिक प्रोसेस सो दैट्स व्हाई देयर विल बी नो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जेहेतु बले इंटरनल एनर्जी रे चेंज आसीबो नाही ताहले एठी जो वर्क डन टा आसुची बले केते आसीबो वर्क डन W इक्वल टू देख पे तो वर्क डन के आसो देख पे से कते हीट अब्सॉर्ब कर Q1 अमाउंट हीट अब्सॉर्ब कर वर्क डन इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड देख पे कते हीट अब्सॉर्ब कर हीट रिजेक्ट कर हीट अब्सॉर्ब के पे अच्छी Q1 हीट रिजेक्ट करछि केते पिले ना Q2 सो वर्क डन W इक्वल टू केते पाइलो Q1 माइनस Q2 जे जति कि सबट्रैक्शन आसीला बा जति कि हीट लेफ्ट रहिला से वर्किंग सब्सटेंस पाखरे से हीट टा पिले कोडी कन्वर्ट हे गला ना वर्क डन को कन्वर्ट हे गला सो W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बी द वर्क डन बाय द हीट इंजन ओके सो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द हीट इंजन देख पे एवं ये कौन मेजर करवा ना हीट इंजन रो एफिशिएंसी को मेजर करवा मीन इट इज अ कैपेसिटी को मेजर करवा जे केते एफिशिएंट हीट इंजन टा अच्छी केते अमाउंट रो हीट कन्वर्ट कर पारे कौट की पिले ना वर्क को ओके सो जनरली एफिशिएंसी जो मेजर करते पिले एफिशिएंसी गिव्स द परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन एफिशिएंसी एक्चुअली काम कौन एफिशिएंसी एफिशिएंसी सिंबल हला पिला इटा सिंबल टा होची तमरो इटा सिंबल द कह जाए ओके इटा सिंबल एटा इब्रा मेंशन करा जाए ओके
सो देख पे सो एफिशिएंसी एफिशिएंसी मीन्स इट इज द परफॉर्मेंस ऑफ ए हीट इंजन परफॉर्मेंस मीन्स आम कहीपर पे के आउटपुट आम मेजर करुचे आउटपुट के आसूस इनपुट के पे इनपुट नहीं क्यू वन देख पे रिजेक्ट करू टू सो मेनली आम वर्कडन टा के मेजर करुचे ओके सो मेनली एफिशिएंसी गिव द परफॉर्मेंस ऑफ द हीट इंजन एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज एफिशिएंसी मीन्स यू कैन से इट मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन इट मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन इट मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन सो एफिशिएंसी पे आम कौन लिखिपर एफिशिएंसी दैट इक्वल्स टू देख पे एफिशिएंसी हमें मेनली कहे हीट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट अब्जॉर्ब वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट अब्जॉर्ब मीन्स वी कैन से द परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन कैन बी मेजर्ड बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द हीट इंजन टू द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स ओके सो दैट इम्प्लाइज टू हीट इक्वल टू पे वर्क डन टा के डब्ल्यू बाय हीट के अब्जॉर्ब कर ना क्यू वन सो इटा इक्वल टू के पाइल पे डब्ल्यू बाय क्यू वन कितु पे डब्ल्यू आम के मेजर कले डब्ल्यू इक्वल टू पाइल क्यू वन माइनस क्यू टू क्यू वन माइनस क्यू टू तेल के आस ताले पहले इटार वैल्यू आसला सो इटा इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू वन इक्वल टू वर्क डन पाइल के ना हीट अब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय क्यू वन ओके सो दैट इम्प्लाइज टू वन माइनस क्यू टू बाय क्यू वन वन माइनस क्यू टू बाय क्यू वन सो एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट देख पे क्या उपरे मेनली डिपेंड करुच्छे ना क्यू टू पर जो परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन इट मेनली डिपेंड्स अपॉन क्यू टू दैट मीन्स द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक कहीं पे डिपेंड करुच्छे क्यू टू पर देख पे क्यू टूर वैल्यू जिते स्मॉल आसव मोर जो इफिशियंसी वैल्यू से लार्जर आसव कहा उपरे मेनली डिपेंड करुच्छे ना क्यू टू पर अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक क्यू टूर वैल्यू पे जिते स्मॉल आसव एफिशिएंसी वैल्यू से लार्जर आसव केमी डिपेंड कर देखा देख पे जदि आम परसेंटेज मेजर करवा परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी परसेंटेज ऑफ ईटा इटा इक्वल टू लिखी के पे वन माइनस क्यू टू बाय क्यू वन इंटू हंड्रेड ओके वन माइनस क्यू टू बाय क्यू वन इंटू हंड्रेड जे केते परसेंट आम मेजर करुचे सपोज पे ये मुझे क्यू टूर वैल्यू बात गोटे परफेक्ट हीट इंजन नेबी ए परफेक्ट हीट इंजन क्या आइडियल हीट इंजन ए आइडियल हीट इंजन ऑलवेज कन्वर्ट्स टोटल हीट इंटू टोटल वर्क जदि पे आइडियल हीट टोटल हीट अब्जॉर्ब को टोटल वर्क कन्वर्ट कर पारुची ताहले जो आइडियल हीट इंजन गोटे परफेक्ट हीट इंजन केस रे जो आम क्यू टूर वैल्यू पाचे ओके देख पे ये आइडियल हीट इंजन कॉन्सेप्ट डिस्कशन करवा जो आम गोटे आइडियल हीट इंजन नवा आइडियल हीट इंजन आइडियल हीट इंजन बासा कह जाए परफेक्ट हीट इंजन परफेक्ट हीट इंजन देख पे गोटे आइडियल हीट इंजन केस रे द टोटल वर्क इफ द टोटल हीट अब्जॉर्ब इज कन्वर्टेड इंटू वर्क
is converted into work, then it is called ideal heat engine. Then it is called ideal heat engine. ओके तब गोटे आइडियल हीट इंजन केस रे पिले डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वन डब्ल्यू इक्वल टू के क्यू नॉर्मल केस लिखुच ऑर्डिनरी केस डब्ल्यू इक्वल टू के पिले क्यू जब डब्ल्यू इक्वल टू क्यू आसूची आम कह दैट इज ए आइडियल हीट इंजन तेल ये आम आइडियल हीट इंजन से कौन लिखिपर ना इफ तेल डब्ल्यू इक्वल टू आम कहे हीट अब्जर्व केट अब्जर्व कर क्यू वन तेल क्यू वन टा टोटाली कनवर्ट हो वर्क तेल वर्क कनवर्ट हो गले तेत पिले इफ क्यू टू इक्वल टू जीरो देख पिले जदि क्यू टू टा मोर जीरो डब्ल्यू इक्वल टू के क्यू वन डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वन आसीज डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वन जदि डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वन तेल एफिसीयसी के परसेंटेज अफ एफिसीयसी सो इन केस अफ आइडियल हीट इंजिन द परसेंटेज अफ एफिसीयसी सो परसेंटेज अफ एफिसीयसी इक्वल टू देख पे जो क्यू टू जीरो आम पाई वन माइनस क्यू टू बै क्यू वन इक्वल टू पे के इंटू हंड्रेड पाई जदि क्यू टूर भैल्यू पे जीरो सो दैट इक्वल्स टू के हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट तो परसेंटेज अफ एफिसीयसी आसीगला पे हंड्रेड परसेंट इफ क्यू टू इक्वल टू जीरो जदि क्यू टू जीरो आसीजे एफिसीयसी मोर के पे आसीज हंड्रेड परसेंट बाटा को कह जाए वन बाक वन ओके तेल एफिसीयसी हंड्रेड परसेंट विल एक्जिस्ट इन केस ऑफ आइडियल हीट इंजन और परफेक्ट हीट इंजन बट प्राक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल प्राक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज व्हेन वी कन्वर्ट हीट इनटू वर्क जिते बे पे हीट को वर्क रे कन्वर्ट करूचे से कौन हुए ना देयर विल बी सम पार्ट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग और सर लॉस टू द सिंक लो टेम्परेचर जो बॉडी थी से बॉडी को किसी अमाउंट हीट लॉस हो जाए जेहेतु किसी अमाउंट हीट लॉस हो जाए तेणु पे मोर क्यू टू नेवर बी जीरो सो दिस कनसेप्ट इज थियोरिटिकली पॉसिबल दिस इज पॉसिबल ओनली थियोरिटिकली बट प्राक्टिकली इटा कैन नॉट बी 100% इटा के 100% हबो नहीं इट इज ए थियोरिटिकल कनसेप्ट बिकज देख पे ये क्वेश्चन गोटे मागे जे व्हाई एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन कैन नेवर बी वन क्वेश्चन पे ये गोटे मागे जो कमी माग व्वाई एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन कैन नेवर बी 100% कहीं 100% हुए नहीं कैन नेवर बी 100% और वन ओके तले सॉल्यूशन कौन आसीबो वी नो पहले इटार वैल्यू के पाइल ना वन माइनस क्यू टू बै क्यू वन क्यू टू बै क्यू वन ओके सो सिंस क्यू टू कैन नेवर बी जीरो प्रैक्टिकली सो eta इक्वल टू वन माइनस क्यू टू बै क्यू वन वन माइनस क्यू टू बै क्यू वन सो दैट इम्प्लाइज टू इटा पिले लेस देन के वन आसीज कहीं जब क्यू टू रैल्यू पिले एक्जिस्ट करुच्चे वन रु डेफिनेटली स्मल आसो डेफिनेटली स्मल आसो जेहेतु ये वन रु डेफिनेटली स्मल आसूसी तेल एफिसीयसी अलवेज लेस देन वन आसो 100% हम ना
बुझेगा पिले जो कहीं एफिशिएंसी इटा नेट नॉट बी जीरो दैट मीन्स क्यू टू नॉट इक्वल टू जीरो प्रैक्टिकली क्यू टू जीरो पॉसिबल नुहे क्यू टू कौटी जीरो पिले आइडियल हिट इंजन केस रे आइडियल हिट इंजन इज ए थियोरिटिकल कनसेप्ट प्रैक्टिकली देयर विल बी नो एक्जिस्टेंस ऑफ आइडियल हिट इंजन बुझेगा पिले ना बुझेलानी दैट मीन्स इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट टोटल हिट इंटु टोटाल वर्क ओके यहाँ गोटे कनक्लूजन पाइपे जे कनक्लूजन कौन ना इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट टोटल हिट इंटु टोटाल वर्क ये तुम पे लिखिपर दैट इज इट इज इम्पॉसिबल to convert it is impossible to convert total heat into total work total heat into total work बुझेगा पिले यहाँ एफिशिएंसी लेस देन वन टा तुमको ही इंडिकेट करुच्ची टोटल हीट के टोटल वर्क हम ना देयर विल बी ऑलवेज लॉस ऑफ ए फ्यू पार्ट ऑफ हीट टू द सराउंडिंग और टू द सिंक एट द लोअर टेम्परेचर ओके एबे देखिबा पिले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो लिमिटेशन कौन आसुची आउ से लिमिटेशन को आमे पिले केमिति ओवरकम करबा ओके limitation of first law of thermodynamics limitation of first law of thermodynamics that is very important pile देख लिमिटेशन जो डिस्कशन कर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो मेन आम कहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे कहार रिलेशन दौची ना इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ हीट इनटू वर्क हीट आउ वर्क गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन ऊपर डिपेंड करुच्च कहार वैल्यू ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ओके बट जब आम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे ये करुचे हीट आउ टेम्परेचर आउ एनर्जी कनसेप्ट डिस्कशन करुचे से केस कौन आसूँ ना कहे मेनली हीट इंजिन और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट द हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मेनली पे कौन कहे ना हीट वर्क को कन्वर्ट हो पारे किंतु कंडीशन किसी अच्छी कि जे कौ कंडीशन ले हीटा वर्क को कन्वर्ट हे कौ कंडीशन ले हीटा वर्क को कन्वर्ट हे ना सो इट इज इट डज नॉट टेल अबाउट द कंडीशन अंडर व्हिच हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क सेकेंड थिंग्स पिले आम कौ जो बड़े हीट रो फ्लो को आम कनसीडर करवा हीट रो फ्लो को कनसीडर करवा ओके डिरेक्शन ऑफ फ्लो जब आम हीट रो फ्लो को पे कनसीडर करवा हीटा कौटू कौटे फ्लो हम जदि आम हीट रो फ्लोटा कनसीडर करा गोटे हाई टेम्परेचर बॉडी देली गोटे लो टेम्परेचर बॉडी देली एबे कह पे दुटा को कंटाक्ट कर दियो कंटाक्ट करने मत कह हीटा कौटू कौटे फ्लो हम सो डेफिनेटली तुम कह सर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर समस्त यहाँ कह हाई टेम्परेचर रु लो टेम्परेचर को बिले हीटा फ्लो हम हाई टेम्परेचर रिजन रु लो टेम्परेचर रिजन को कितु बोले कहारी माइंड रे एमती स्ट्राइक करुच्ची कि कहीं हीटा लो टेम्परेचर रु हाई टेम्परेचर को जीवो ना आम कहे हीट फ्लो है हाई टेम्परेचर रु लो टेम्परेचर हीट लो टेम्परेचर रु कहीं हाई टेम्परेचर को जीवो ना कहीं गोटे कोल्ड बॉडी रु टेम्परेचर गोटे हॉट बॉडी को जाए कूल न कर कहीं अलवेज गोटे हॉट बॉडी रु टेम्परेचर गोटे कूल बॉडी को आसिक हीट कर किंतु कहीं कोल्ड बॉडी रु लो टेम्परेचरटा गोटे हॉट बॉडी को जाए तार टेम्परेचर डिक्रीज कहीं न कर तेणु फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इट ऑलवेज टेल्स हीट इज फ्लो फ्रॉम ए बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू ए बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर बट इट डज नॉट टेल्स एनीथिंग अबाउट व्हाई हीट कैन नॉट बी फ्लो फ्रॉम
लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर कहीं लो टेम्परेचर रू हाई टेम्परेचर को जीवन ना या उपरे किछ आसला नाही। सेकंड थिंग हमें कहू पिले ना इट डज नॉट टेल्स हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इन टू वर्क केते हीट वर्क कन्वर्ट हे केते हीट सराउंडिंग लॉस हे या उपरे भी किछ से कहले कौन ना हीटा वर्क कन्वर्ट हे आउ किछ हीट सराउंडिंग को ट्रांसफर हो बट अमाउंट ऑफ हीट दैट कन्वर्टेड इन टू वर्क अमाउंट ऑफ हीट दैट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग इज नॉट एनी आइडिया। ओके सो देयर आर अ फ्यू लिमिटेशंस arises in first law of thermodynamics. So the main limitation is that it does not tells us about the direction of transfer of heat. First limitation pila kon asibo na it does not tells about the transfer of heat. It does not tells about the transfer of tells about the direction of transfer of heat does not tells about the direction of transfer of heat direction of transfer of heat. ओके हीट फ्लोर डायरेक्शन को मेंशन करिगला नहीं। ओके आम कौन गोटे ऑलवेज हीटा कौन हुए ना हॉट बॉडी रु कूल्ड बॉडी को जाए। ओके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेल्स दैट हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी देख पे हीटा कौटी फ्लो हम हॉट बॉडी रु कोल्ड बॉडी बट इट डज नॉट टेल एनीथिंग दैट वाई हीट cannot flow from cold body to hot body. ओके पिले तमाने बॉडी एट लो टेम्परेचर रु बॉडी एट हाई टेम्परेचर को कहीं हीट मोर फ्लो हो पारिबो नाही से विषय भी पिले किसी आम डिस्कशन आसला ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रे। सेकेंड थिंग्स पिले आम कहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो जो गिवन आम कहे इट टेल्स अस हीट इज कन्वर्टेड इन टू वर्क फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मेनली आम कहे पिले हीटा कौटी कन्वर्ट हो वर्क बट इट ऑल्सो डज नॉट टेल्स इट डज नॉट टेल्स इट डज नॉट टेल्स हाउ मच हीट इज कन्वर्टेड इन टू वर्क केते अमाउंट हीट पिले मोर वर्क कन्वर्ट हम इट डज नॉट टेल्स हाउ मच हीट इज कन्वर्टेड इन टू वर्क। ओके थर्ड कंडीशन पे आसूची इट डज नॉट टेल्स द कंडीशन एट व्हिच हीट इज कन्वर्टेड इन टू वर्क। ओके को कंडीशन रे हीट वर्क कन्वर्ट हे नंबर थ्री इट डज नॉट टेल्स under which conditions heat is converted into work and vice versa
कौ कंडीशन ले हीट आमर वार को कन्वर्ट हे सो ये टर्म उपरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसी आईडिया देले नहीं तेणु फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो फर्स्ट पॉइंटा पिले थिला सही पॉइंटा उपरे टिके फोकस करिबा जो फर्स्ट पॉइंटा थिला कौन इट डज नॉट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इट डज नॉट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट जे व्हाई हीट कैन नॉट बी फ्लो फ्रॉम ए बॉडी ऑफ कोल्ड टेम्परेचर टू ए हॉट बॉडी गोटे कोल्ड बॉडी रु हॉट बॉडी को कहीं टेम्परेचर फ्लो हो पार ना देख पे यहाँ पॉसिबल हो ना पॉसिबल हो गोटे कोल्ड बॉडी रु हॉट बॉडी को टेम्परेचर फ्लो हो पार बट से कोल्ड बॉडी रु हॉट बॉडी को कौटी फ्लो हो तुमने घरे समस्ते यूज कर रेफ्रिजरेटर गोटे गरम खाद्य नहीं कि रखीद रेफ्रिजरेटर भितर कौन हुए से गरम खाद्यटा थंडा हुए ना गरम खाद्यटा आहरी गरम हो जाए गरम खाद्यटा थंडा हो जाए कहीं रेफ्रिजरेटर काम हो पिले से कौन करना से हॉट बॉडी को कोल्ड कर हॉट बॉडी को कोल्ड कर किंतु ये कंडीशन सर्टेन रहा दरकार तेल गोटे कोल्ड बॉडी रु हॉट बॉडी को फ्लो हो पार हीट बट कंडीशन कौन ना देयर मस्ट बी एन एक्सटर्नल एजेंसी गोटे कोल्ड बॉडी रु हॉट बॉडी को आम जब हीट को ट्रांसफर करवा तेल कौन दरकार ना गोटे एक्सटर्नल एजेंसी दरकार जो वर्कडन टा पिला आम कौचे गोटे हीट इंजिन केस रे वर्कडन इज ऑन द सराउंडिंग वर्कडन इज ऑन द सराउंडिंग जो वर्कटा पिले कन्वर्ट हो जो डब्ल्यूटा आम पाइले पिले डब्ल्यू इक्वाल टू क्यू वन माइनस क्यू टू ये वर्कडन टा ऑन द सराउंडिंग आसुच्चे ये वर्कडन टा क्या आसूँ सराउंडिंग जदि सराउंडिंग टा वर्कडन दब क्या ना वर्किंग सब्सटेन्स वर्कडन बाय द सिस्टम हो पिले तले से केस रे जो एनर्जी बा जो हीटा फ्लो हबो सेटा को हमें कहबा जो हीट कैन फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर सो हीट लो टेम्परेचर बा हाई टेम्परेचर फ्लो हाबापी जो कंडीशन आसला से कहुए रेफ्रिजरेटर बा हीट पंप हीट पंप देख जो कौन एक्सट्राक्ट हो पिले ना हीट एक्सट्राक्ट हो तेणु देख आस डिस्कसन कर रेफ्रिजरेटर बा हीट पंप उपरे ओके सो हाउ कैन हीट फ्लो फ्रॉम ए बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर टू ए बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर जोटा पिला हमें कहे रेफ्रिजरेटर और हीट पंप ओके सो मेनली वी कैन से ए हीट पंप और रेफ्रिजरेटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स और ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर टू ए बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर जदि ए बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर टू ए बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर को मोर हीट फ्लो होते आम कहे पिले दैट इज रेफ्रिजरेटर ओके सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी एंड ट्रांसफर ऑफ द हीट टू द सराउंडिंग देन दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर सो यू कैन से इट इज ए डिवाइस व्हिच ट्रांसफर हीट फ्रॉम cold body to hot body cold body to hot body is called refrigerator okay or we can say the process of removing of heat from a colder body then the surrounding is known as refrigeration and the device that works it is called refrigerator okay ba seta ko ame kouche pile heat pump or we mention kari paribo the process of
प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ हीट the process of removing of heat from a cold body, the process of removing of heat from bodies colder than their surrounding colder than their surrounding is known as refrigeration and the device doing so is called refrigerator. ताले रेफ्रिजरेटर रो पिले काम कौन ना से कोल्ड बॉडी रो हीट को कौन करिबो फ्लो करिबो कोटी को ना उटे हॉट बॉडी को ओके दैट मीन्स इट ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर टू ए बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर बुझेला पिले ना बुझेला नहीं अच्छा देखिए तार कंस्ट्रक्शन आउ वर्किंग को ओके सो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप इज कॉल्ड ए रिवर्सिबल हीट इंजन ओके इट इज कॉल्ड ए हीट इंजन वर्किंग इन द अपोजिट ऑर्डर जदि गोटे हीट इंजन को पिले हमें अपोजिट ऑर्डर रे वर्क करिबा ताहले जो मेजरमेंट हमें पाइबा से मेजरमेंट को कहिबो कोन ना जनरली रेफ्रिजरेटर ओके सो रेफ्रिजरेटर मेनली वी कैन से इट इज ए हीट इंजन वर्किंग इन द रिवर्स डायरेक्शन गोटे हीट इंजन जब रिवर्स डायरेक्शन ले पिला एक्ट करुच्ची तो मैंने आम कह रेफ्रिजरेटर देख ये भी मेंशन कर रेफ्रिजरेटर इज ए हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन पिले पॉइंट गोटे मार्क करवा रिवर्स डायरेक्शन हमें देखा हीट इंजन ले पिले कौन कौन नहीं सोर्स देन पिले कौन नहीं वर्किंग सब्सटेंस देन पिले कौन नहीं सिंक एटा थी सोर्स ओके टेम्परेचर थिला पिले T1 एटा थिला पिले सिंक टेम्परेचर थिला T2 एटा पिला थिले मोर वर्किंग सब्सटेंस देखो पिला हम कहे हीट इंजन रो रिवर्स डायरेक्शन ले जदि एक्ट करूची ताले हम कहबा दैट इज ए रेफ्रिजरेटर रिवर्स डायरेक्शन माने पिले देखो सेठी फ्लो केमिति आसुतला सोर्स रो हीट अब्सॉर्ब होई की वर्किंग सब्सटेंस सर्टेन हीट ही सिंक को रिजेक्ट होतला सिंक रो किछ हीट आउ जे रेस्ट हीट ता पिले वर्क को कन्वर्ट होतला एठे हम रिवर्स कर दबा रिवर्स करबा माने कोन ना सिंक रो हीट ता फ्लो होबो सिंक ता पिले मोर लो टेम्परेचर अछि डायरेक्शन रिवर्स कर दियो सिंक रो हीट फ्लो हैला वर्किंग सब्सटेंस को एठी वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जीवो सिस्टम ऊपर वर्क डन आसी जीवो जो रेस्ट पिला आसी गला ताले से कन्वर्ट हो जीवो कोटी को ना सोर्स को ट्रांसफर हो जीवो मन्ने करो एटा में जो एनर्जी टा फॉर्मेशन हो जी मन्ने करो पिला एठी 10 जूल रो एनर्जी मु पठेली एठी 20 जूल रो एनर्जी सप्लाई कली वर्किंग सब्सटेंस ऊपर देखो पिले वर्किंग सब्सटेंस केते हीट अब्सॉर्ब कला ना 10 जूल रो हीट अब्सॉर्ब कला सिंक रो 20 जूल रो हीट अब्सॉर्ब कला एक्सटर्नल सराउंडिंग रो तार वर्क डन ऑन द सिस्टम पड़ीला
ओके वर्क डन ऑन द सिस्टम पड़ा ऑन द सिस्टम पड़े पे ये केट रिजेक्ट हम ना 30 जूल हीट रिजेक्ट हम कौटी की सोर्स को हाई टेम्परेचर बॉडी को देख पे हीट रिजेक्ट होगा कौटी ना लो टेम्परेचर बट कंडीशन कौन ना गोटे एक्सटर्नल एजेन्सी हेल्प दरकार ये 20 जूल न हेले ये 10 जूल ये ट्रांसफर हो पार ना ये 20 जूल न आसिले ये 10 जूल ये ट्रांसफर हो पार नहीं मेन कंडीशन कौन ना इन ऑर्डर टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू ए हॉट बॉडी इट मोस्ट नीड एन एक्सटर्नल एजेन्सी गोटे एक्सटर्नाल एजेन्सी हेल्प हिटा लो टेम्परेचर रु हाई टेम्परेचर को जब रेफ्रिजरेटर जब इलेक्ट्रिसिटी आम फ्लो न करवा जदि करेन्ट से फ्लो न करवा पे तो रेफ्रिजरेटर वर्क करना तेल करेन्टर काम कौन ना करेन्ट हूँ गोटे एक्सटर्नाल एजेन्सी जी हेल्प करीटा लो टेम्परेचर रु हाई टेम्परेचर को नापी सो हिट कैन बी फ्लो फ्रॉम ए लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विथ द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेन्सी गोटे बाह्य बल प्रयोग हवा दरकार से बॉडी उपर जब बाह्य एजेन्सी किसी फोर्स एक्ट हो कि वर्डन आसुच्चे कोल्ड बॉडी रू हॉट बॉडी को हीट फ्लो हो पार किंतु जदि आम हॉट रू क्लो कोल्ड बॉडी को हीट फ्लो करवा देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल एजेन्सी जब गोटे हॉट बॉडी रू कोल्ड बॉडी को हीट ट्रांसफर करवा एक्सटर्नल एजेन्सी नीड दरकार नहीं किंतु कोल्ड रू हॉट को जीवा कहले वी नीड सम एक्सटर्नल एजेन्सी वी नीड सम एक्सटर्नल एजेन्सी सो कंस्ट्रक्शन रे कौन आसीबो पिले कंस्ट्रक्शन रे आसीला सोर्स देख हीट प्रम्प्रे जहाँ लिखीच से गुड़ाक मेनसन करवा ओके देन आसला किए पिले ना सिंक देख कौन कौन पार्ट अच्छी सिंक ये भी जहाँ अच्छी सेम रहिबो ना नहीं बट चेंज कौटी आसीबो पिले ना वर्किंग सब्सटेंस रे वर्किंग सब्सटेंस रे कौन आसीबो ना वर्किंग सब्सटेंस इन रेफ्रिजरेटर अब्जॉर्ब्स Q1 अमाउंट ऑफ हीट ओके देख पे मन कर Q2 अमाउंट हीट कौटी अब्जर्व ना सिंक रु फ्लो है कौटिक पे वर्किंग सब्सटेंस को ओके एटी मोर Q1 हीटा ट्रांसफर है पे सोर्स को ओके केस रे कौन करवा वर्किंग सब्सटेंस ओनली चेंजेस आसीबो सोर्स सिंक पे सेम रहिबो चेंज हम ना ओनली वर्किंग सब्सटेंस रे चेंजेस आनिबा वर्किंग सब्सटेंस वर्किंग सब्सटेंस कौन आसीबो वर्किंग सब्सटेंस अब्जॉर्ब्स Q2 अमाउंट ऑफ हीट Q2 अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम सिंक एट लो टेम्परेचर T2 एंड रिजेक्ट्स Q1 अमाउंट ऑफ हीट टू सोर्स Q1 अमाउंट ऑफ हीट टू सोर्स एट टेम्परेचर T1 विथ द हेल्प ऑफ विथ द हेल्प ऑफ वर्क डन W का हेल्प रे पिले W वर्क डन हेल्प रे Q2 हीट बा Q2 हीट रिजेक्ट होजी कहाको
ना क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट है कि रिजेक्ट होउछि सोर्स को क्यू टू हीट क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट है कि रिजेक्ट होउछि को टिके सोर्स को ओके तले ए केस रे जो पिले वर्क डन आसुछि से वर्क डन ता तले केते आसीबो एटी वर्क डन हमें कहउछ ऑन द सिस्टम आसिला वर्किंग सब्सटेंस उपरे वर्क डन आसुछि जेतु वर्किंग सब्सटेंस उपरे वर्क डन आसुछि तले पिले एट लक्ष्य करो मो क्यू वन लो वैल्यू केते आसीबो क्यू वन वैल्यू जमी ये कहली 10 जूल ये 20 जूल ये मोर के पे आसला 30 जूल सो क्यू वन इक्वल टू लिखी पे डब्ल्यू प्लस क्यू टू डब्ल्यू प्लस क्यू टू ओके देख पे कौन करवा एबे मेजर करबा जे केते हीट बा केते वर्क डन एठी आसुची ओके सो दैट मींस वी कैन से एठी कोन आसला तर वर्किंग को आसी जाओ वर्किंग सिंपली लिखि दो जे पिले Q2 इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब हीट अब्सॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस हीट अब्सॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम सिंक ओके क्यू वन इक्वल टू हीट रिजेक्टेड बाय वर्किंग सब्सटेंस इज रिजेक्टेड बाय वर्किंग सब्सटेंस टू सोर्स ओके ताले अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एडी पिले लिखि दबो डब्ल्यू इक्वल टू वर्क डन ऑन वर्किंग सब्सटेंस वर्क डन ऑन वर्किंग सब्सटेंस वर्क डन ऑन वर्किंग सब्सटेंस तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पिले क्यू वन इक्वल टू केते आसी जिवो क्यू टू प्लस डब्ल्यू क्यू वन इक्वल टू क्यू टू प्लस डब्ल्यू ताहले डब्ल्यू इक्वल टू केते पाई गले पिले क्यू वन माइनस क्यू टू डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू देख पे वर्क डन आम हीट इंजन रेक पाई डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू बुझीगला ये मेजर करवा जे परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर तो परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जमी पे परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन को आम कहे एफिशिएंसी सेमती आम परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर को कहुए कौन ना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मेजर करवा पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सिंबल पे जे बीटा सिंबल होची बीटा ओके सो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रो जो मेजरमेंट आसुची पे मेनली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमें कहचे हीट एक्सट्राक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी टू द वर्क डन ओके जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आसुची पे बीटा जो वैल्यू आसुची बीटा गिव्स द मेजर ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड बॉडी डिवाइडेड बाय वर्क डन हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी डिवाइडेड बाय वर्क डन ओके देख पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रे मेल में मेजर करते हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी पे केते हीट आम कोल्ड बॉडी रे एक्सट्रैक्ट करीचे क्यू टू अमाउंट रो हीट केते हीट आम कोल्ड बॉडी रो बाहर करीच ना क्यू टू अमाउंट रो हीट डिवाइडेड बाय वर्क डन केते पाइलो डब्ल्यू सो दैट इम्प्लाइज टू क्यू टू डिवाइडेड बाय पे डब्ल्यू रो वैल्यू पाइले आम क्यू वन माइनस केते क्यू टू डब्ल्यू रो वैल्यू पाइले क्यू वन माइनस
क्यू टू जेहतु डब्ल्यू रैल्यू आम पाइले पे क्यू ओन माइनस क्यू टू तेज डिवाइड करद कहार भैल्यू ना बोथ साइड जब पे आम क्यू ओन को डिवाइड करद क्यू टू डिवाइड करदे क्यू टू डिवाइड करदे के पे दैट विल बी वन डिवाइडेड बाय क्यू वन बाय क्यू टू माइनस पे वन सो बीटा इक्वल टू पाइबा केू टूटा डिवाइड करदे पे सबुआड़े तेल मोर मेजर आसीज वैल्यू वन माइनस क्यू वन बाय क्यू टू माइनस वन सो दिस विल गिव द मेजर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बाय द रेफ्रिजरेटर ओके नेक्स्ट क्लास रे पे देखा जे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ओके थैंक यू.